वक्त हूँ मैं अयोध्या में। मेरे पीछे आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये वही राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ पर काम कितना बाकी है और कितना हुआ है, ये जानने के लिए अमर उजाला खुद जा पहुँचा मंदिर निर्माण स्थल पर। यहाँ पर हमने राम जन्मभूमि तीर्थ के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से बातचीत की और उन्हीं से ये तमाम जानकारियाँ लेने की कोशिश की कि आखिरकार कब तक इस मंदिर के दर्शन लोगों को हो सकेंगे, कितना वक्त मंदिर के पूरा होने में बाकी है और कितना काम अभी हो चुका है। देखिए। नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं अयोध्या में। मेरे पीछे आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये वही राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है जो दिसंबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस राम मंदिर को तैयार होने में क्या क्या आवश्यकताएं लग रही हैं, क्या क्या जरूरतें हो रही हैं, वो हमारे साथ बताने के लिए इस वक्त श्री राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के सदस्य अनिल मिश्रा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और कब तक इस मंदिर को भव्य रूप दे दिया जाएगा। स्वागत है मिश्रा जी आपका अमर उजाला में। आप मुझे थोड़ा सा बताइए क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं और किस तरीके से आप लोग इसमें लगे हुए हैं। नमस्कार, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। ये आपको जो एक पताका दिख रही है, ये भगवान का जन्म स्थान है, गर्भगृह जिसे गर्भगृह जिसको कहते हैं, वहीं पर भगवान का जन्म हुआ था। आगे हमारा जो भगवान का मंदिर बनेगा, इसी स्थान पर भगवान स्थापित होने वाले हैं जी। उसके नीचे जो एक आप लकड़ी का हिस्सा देख रहे हैं, इसको राफ्ट कहते हैं जी। ऐसे राफ्ट की 1.5 मीटर की लेयर पूरे मंदिर के फुटप्रिंट पर बनाई जा रही है। ओके। इसी के ऊपर अब हम पत्थरों से एक 20 फीट का, जिसको प्लिंथ कहते हैं, उसका निर्माण करेंगे जी। उस 20 फीट के प्लिंथ पर हम मंदिर के जो खंभे हैं उनको लगाना जमाना शुरू कर देंगे। ओके। उसी प्रकार मंदिर का निर्माण 20 फीट के प्लिंथ के बाद। तो इसको हम कितने चरणबद्ध तरीकों में समझे, कितनी जल्दी हम इसको तैयार कर लेंगे? जैसे आपने बताया कि एक ये पहले चरण का काम लगभग खत्म होने वाला है। नींव जिसे कहेंगे, नींव का काम पूरा हो चुका है लगभग, थोड़ा बहुत काम बाकी है, 10-15-20 दिन में लगभग 15 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे चरण का काम शुरू होगा जिसको हम प्लिंथ कहते हैं। ओके। ये हम इस प्लिंथ के निर्माण के बाद मंदिर के खंभे, मंदिर के जो दरवाजे हैं, इन सब का निर्माण प्रारंभ करेंगे। जिसकी तरासी का काम चल रहा है, उस 40% पत्थर हमारे पास तरासे रखे हैं, उनको हम ने फिट करने का टारगेट लिया है, अगस्त 23 तक उसको पूरा कर लेंगे। प्रथम तल का निर्माण लगभग पूरा हो जाएगा और अगस्त 2023 तक प्रथम तल का निर्माण पूरा होने का आकलन है। लेकिन फिर भी अगर 2-4 महीना लेट होता है, इसलिए हम तो दिसंबर तक का लक्ष्य आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मंदिर निर्माण के लिए देश भर के IIT और वैज्ञानिकों की कौन सी तकनीक ने यहाँ कमाल किया, ऐसे में जाकर पड़ सकी इस राम मंदिर की वो मजबूत नींव जो हजारों साल तक मजबूती से टिकी रहेगी। मंदिर को निर्माण करने वाली कंपनी है, वो अगस्त तक मंदिर को तैयार करके पूरे देश दुनिया में दर्शनार्थ शुरू कर दिया जाएगा, जो अगस्त 2023 तक है। सर, एक चीज़ आप बताइए, जो बता रहे थे कि आपने 50 फीट नीचे जी एक पूरा इसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, चूँकि यहाँ की जो मिट्टी है, मैं बता दूँ, ये उतनी सपोर्टिव नहीं है। दरअसल इसके पीछे सरयू नदी है और सरयू नदी के किनारे के चलते यहाँ की जो मिट्टी है, इसका जो आधार है वो बलुई मिट्टी का है, यानी कि बालू ज़्यादा है और बालू पर कोई बड़ा निर्माण बहुत ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकता। तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हुई, मिश्रा जी बताएंगे। सर, क्या क्या तैयारियाँ की थी आप जी? हमारे पास जो IIT चेन्नई है, IIT दिल्ली है, IIT गुवाहाटी है और CBRI ने शोध करके एक इंजीनियर्ड फील्ड के द्वारा इसको फिलिंग करते हुए इंजीनियर फील्ड से 50 फीट नीचे खुदाई करके हमने इसमें जो डेब्रिस था उसको हटाया। Okay. हटाने के बाद 50 फीट की भराई एक विविध चरणबद्ध ढंग से किया है, एक एक फीट का भरते हुए रोलर कंपैक्शन से दबा करके एक चट्टान स्वरूपी 50 फीट की 48 लेयर तैयार किया है। अब हम आपको देते हैं वो जानकारी जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, वो ये कि राम मंदिर कब बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल राम मंदिर दिसंबर 2023 में नहीं बल्कि उससे पहले भी बनकर तैयार हो सकता है। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो 2023 से ही लोगों को रामलला के दर्शन यहाँ से शुरू हो जाएंगे। मंदिर निर्माण करने वाली दुनिया की प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या वायदा किया है, वो भी जानिए।
कि समुद्र में जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी तरीके की टेक्निक्स का इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। अलग स्थान के अनुसार जो तकनीक होती है इंजीनियरों ने वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की तकनीक खोज करके ट्रस्ट को सुझाया और उनके सुझाव के आधार पर IIT के इंजीनियरों ने सुझाने के बाद LNT यह निर्माण काम कर रही है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए टाटा इसके लिए कंसल्टिंग है हमारे पास, वो उसको मार्गदर्शन में LNT इसको बना रहे हैं। चलिए थैंक यू, शुक्रिया मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से आपने देखा ये राम मंदिर की साइट है, यहीं पर निर्माण हो रहा है, लगभग 2 साल के भीतर यहाँ पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर एक और ऐसी पीछे दीवार तैयार की जा रही है, क्योंकि एक हिडन चैनल मिला था सरयू नदी का, जिसको न्यास बोर्ड ने समझा और ये समझा कि कहीं भविष्य में कहीं नदी की धारा इधर ना हो, तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा दिसंबर 2023 में मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो जाएगा और सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहेगा तो जल्द ही लोग इसके दर्शन भी कर सकेंगे। अयोध्या से आशीष के साथ वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।